गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे सब लोग? अभी ऐसा लग रहा है अपनी क्लास बहुत दिनों के बाद हो रही है। लास्ट क्लास कब हुई थी? कितने दिन हो गए? आई थिंक मोर देन दस वन वीक मोर देन 1 वीक तो हो ही गया। आई थिंक मोर देन 10 डेज हो गए। देखते हैं, लोगों को ध्यान दे। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था बताओ। किसी को ध्यान नहीं है? अरे लेक्चर नोट्स देख के बता दो क्या पढ़ा था लास्ट में। आई एफ, यश आई एफ क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लीनियर डिफरेंशियल। अच्छा, फिर तो मैंने कुछ होमवर्क भी दिया होगा। होमवर्क क्या दिया था? और आई बिलीव सॉल्व भी किया होगा। सॉल्व करते हो नहीं करते हो होमवर्क? इन चैप्टर एक्सरसाइज 2। जिस तरह से तुम लोग बोल रहे हो सर, लास्ट टाइम इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 एंड 2। ओके, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 एंड 2। डिजिटल बोर्ड वाली क्लास तो अपनी फर्स्ट टाइम हो रही है ना? तुम्हारी पहले वाली क्लास तो नॉर्मल बोर्ड पे हुई थी लास्ट क्लास आई थिंक। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 में तुम्हारे डाउट्स बताओ। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 डिस्कस हो गया था लास्ट क्लास में। ओके, इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 और अच्छा 20 एंड 14 17 क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 T टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर डी एक्स एक्स प्लस एक्स टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। गिवन दैट एक्स इक्वल टू -π/4, टी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है, वेरिएबल सेपरेट तो हो नहीं रहे। अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस t² आ जाएगा और टी स्क्वायर अलग। एक मिनट, सेवनटींथ और एट्थ भी बोला है। तो फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं। होमोजीनियस ये है नहीं।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने लिखा dx बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर और इससे डिवाइड कर लिया। दिस बिकम्स dx by dt minus x upon t is equal to minus t upon 1 plus t square। ये एक linear differential equation इस form में बन गया, आगे solve हो जाएगा। आगे कोई doubt है तो बता दो, integrating factor find करके हम इसको आगे solve कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 2x ln y dx x square upon y plus 3y square dy। क्या अच्छा प्लस है, ओके और ये राइट साइड में जीरो है। तो अगर हम एल एन वाई को टी मान लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई डी टी, यहाँ वाई क्यूब बन जाएगा ई की पावर टी। एक्स स्क्वायर को टी मान लो, हमने जो सबसे लास्ट में डिस्कस किया था इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर हमने एक्स स्क्वायर को टी लिया तो 2x dx dt हो गया, ये बन जाएगा ln y into dt is equal to earning plus t upon y plus 3y square dy, dy से divide, ln y dy से divide किया तो this becomes dt upon dy plus t upon y ln y is equal to minus 3y square upon ln y। तो ये एक linear differential equation है जिसका integrating factor e raised to power में 1 upon y ln y dy। 1 upon y को हमने अगर ln y को t लिया तो 1 upon y dy dt हो जाएगा, तो 1 upon t का integration log of t, तो log of y यानी कि log of y। तो finally ये जो है ln of y इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 8, कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर, हाँ सर, 8 में जो पहले दो टर्म है उनको d of x square या ln y भी लिख सकते हैं ना? ये जो तुम मेथड डिस्कस बोल रहे हो, हम ये मेथड आज ही डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कि मैं बताता हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, जस्ट एक आइडिया देता हूँ कि अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था 2x ln y dx plus x square upon y dy plus 3y square dy equal to zero। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कि वो टर्म्स जिनमें ओनली एक्स आ रहा है उन्हें अलग कर लो, जिनमें ओनली वाई आ रहा है उन्हें अलग कर लो, और जिनमें एक्स और वाई मिक्स आ रहा है उनको एक साथ कर दो। तो जैसे हमने भी सेपरेट किया तो एक्स और वाई मिक्स इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब बाई ऑब्जर्वेशन हम ये चेक करेंगे कि ये किसका डेरिवेटिव है, और ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन नहीं डी ऑफ एक्स स्क्वायर ln y लिखा हुआ है,
एक्स स्क्वायर एल एन वाई को जब डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव तो 2x dx into ln y plus d of, अब हम ln y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 upon y dy into x square, और ये as it is है. तो exact differential equation से calculation बहुत simple हो जाती है, but यहां से यहां आने के लिए always अपन को सोचना पड़ेगा पहले. तो हम अभी ये method discuss करेंगे. तो दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन तो x square ln y हो गया और इसका इंटीग्रेशन y क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने का दूसरा मेथड हो गया. क्वेश्चन नंबर 12 में y sin x dy by dx is equal to cos x into bracket में sin x minus y square. y square को t मान लो, y square को t लेके ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है. और थोड़ी और सिंपल करनी है कैलकुलेशन तो sin x को भी कुछ z मान लो. हमने y square को t एंड sin x को z ले लिया तो 2y dy dt और cos x dx dz. ये जब रिप्लेस करेंगे तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स y dy की जगह 1 upon 2 dt और इधर cos x आ गया तो वो dz, sin x वहां ट्रांसफर हो गया तो 1 upon z into z minus t. इसको लिख सकते हैं dt by dz plus 2t upon z equals to 1. ठीक, और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके सर साइमल्टेनियस टू सब्स्टिट्यूशन पर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कितने ही कर सकते हो, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है. बट इन जनरल जो हमने जैसे लास्ट क्लास में एक इक्वेशन किया था या दो किए होंगे तो उसमें हमने सिर्फ एक को ही सब्स्टिट्यूट किया था. अगर तुम इसको सब्स्टिट्यूट नहीं भी करोगे ना तो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन जाएगा. जब तुम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जब बाद में इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इस वाले इंटीग्रेशन के लिए तुम्हें फिर ये वाला सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा. तो या तो वो बिगनिंग में ही कर लो या फिर इंटीग्रेशन के टाइम पे कर लो. कैसे कर लो, हमने अगर तुम क्लास नोट्स देखोगे तो लास्ट में एक इरेज टू पार एक्स करके इक्वेशन का आंसर आया था, तो उसमें भी सेम चीज है. अगर हम बिगनिंग में करते सब्स्टिट्यूशन तो भी सॉल्व हो जाता, और हमने लेकिन जब क्लास में सॉल्व किया था तो इंटीग्रेशन के टाइम पे सब्स्टिट्यूट किया था. तो अपन दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में शो दैट दिस represents a hyperbola having asymptotes the line as this and this. तुम लोगों ने conic section और asymptotes के बारे में पढ़ा हुआ है ना? Yes or no? Asymptotes of hyperbola. ठीक है. तो ये जो given है 4x plus 3y plus 1, तो ये जो differential equation है, मतलब इसमें question number 14 में बता सकते हो कि doubt क्या है? dy by dx is equal to minus times 4x plus 3y plus 1 upon 3x plus 2y plus 1. ठीक है, अभी इस माइनस को या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी एक जगह ले जाओ तो b1 plus a2 जीरो आ रहा है. तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन रहा है 3x dy plus 2y plus 1 dy equal to, या डायरेक्टली मैं ट्रांसफर करके लिख देता हूं, plus 4x plus 1 dx plus 3y dx. इन दोनों नंबर्स को एक साथ लेंगे तो ये 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ xy बन जाएगा. ठीक है, ये एज इट इज और ये एज इट इज. इसका इंटीग्रेशन किया तो 3xy आ गया, इसका इंटीग्रेशन किया तो y स्क्वायर प्लस y आ गया, इसका इंटीग्रेशन किया तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू c. अब क्वेश्चन ने बोला है क्वेश्चन नंबर 14,
एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो आर एसिम्प्टोट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये एक्स प्लस वाई इंटू टू एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, इस वाले फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसलिए क्वेश्चन ने लिख के दिया है. तो अगर हम इसके फैक्टर्स ट्राई करें तो एक्स प्लस वाई तो अलग ही लिखा हुआ है, जो ये वाली टर्म्स हैं साइड में लिखता हूं मैं कि टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली जो टर्म्स हैं इनके हम फैक्टर्स बनाए तो ये टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई यही बन रहा है. तो दिस बिकम्स टू एक्स प्लस वाई कॉमन लिया तो x plus y into 2x plus y plus 1 is equal to constant. और अभी तो constant को भी change नहीं करना पड़ा, वही constant of integration आ गया. तो ये बन रहा है. अब ये एक तुम्हें ये पता है कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इस hyperbola के asymptotes x equal to 0 और y equal to 0 होते हैं. एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसी मेथड से दिस इक्वल टू जीरो एंड दिस इक्वल टू जीरो, ये इस हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 15. The perpendicular from origin to the tangent at any point on curve is equal to abscissa of the point. कोई भी कर्व है, इसके कोई सी भी एक पॉइंट पे हमने टेंजेंट बना ली. इस टेंजेंट पे हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड दैट इज इक्वल टू abscissa ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. मान लो ये परपेंडिकुलर है तो P जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के एब्सिसा के इक्वल है. फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व, तो ऐसा करने से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी. तो अब देखो इस टाइप की सिचुएशन में हमने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस किए हैं उनमें मेनली हम डिफरेंशियल इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्स और वाई लेके चलते हैं. तो हम क्या करेंगे कि इस वाले कर्व में इस वाले पॉइंट को कैपिटल पी स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई ये हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम किए हैं. तो टेंजेंट की इक्वेशन वाई माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स टाइम्स एक्स माइनस एक्स. अगर कोई एक लाइन है जो 2,3 से पास कर रही है तो हम उसकी इक्वेशन y माइनस 3 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 2 लिखते हैं. तो वहां तो हम वेरिएबल्स को स्मॉल x स्मॉल y यूज करते हैं और पॉइंट को हमने 2,3 यूज कर लिया. यहाँ पे हमने अभी पॉइंट को स्मॉल x स्मॉल y लिखा तो इस वजह से वेरिएबल्स को कैपिटल y और कैपिटल x लिख लिया. ठीक है, जिससे कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x स्मॉल y बन जाएगी. तो हमने कहा टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 वाले मेथड से. m इन दिस केस पॉइंट का पॉइंट पे कर्व का डेरिवेटिव हो जाएगा. अब इस वाली लाइन पे 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो कैपिटल x के 0 पुट किया तो ये बन जाएगा y माइनस x dy by dx अपॉन रूट ओवर वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा उससे डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा.
तो देखो dy by dx is equal to y square minus x square upon 2xy आ रहा है। अब ये बताओ इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो? अरे वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, बिल्कुल सबको क्लियर है। सेकंड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस और नो? बिल्कुल। थर्ड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस और नो? नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये वाला पॉइंट सबको समझ आ रहा है? हमने अभी हम वैसे तो अभी चलो ऐसा करेंगे, अभी अपन ने कई सारे मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, ये हमने मेन मेन जो मेथड है वो सारे कवर कर लिए। एक मेथड बचा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेथड कवर करने के बाद मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, तो ये तुम्हें सोचना होगा कि कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अभी तो अपने क्या किया, एक मेथड समझा, उसके बाद उसी मेथड का क्वेश्चन कर लिया, तो उनको पता था कि हाँ ये वाला मेथड लगेगा। तो चलो अभी तो इन दिस केस ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y इक्वल टू tx लेके फर्दर सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखना, जो हमने पूरा ये पार्ट सॉल्व किया है, मेन चीज तो ये थी कि हमने कहा हमारा जो प्रैक्टिस है वो स्मॉल एक्स वाई में डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो इस वजह से हमने वेरिएबल्स को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की फॉर्म में ले लिया, बिकॉज आगे जाके कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का कोई यूज नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई dx x cube y cube dy। बीच में कोई साइन मिसिंग है, ये मिसप्रिंट है, बीच में या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें लिखा हुआ है अभी x स्क्वायर y dx और फिर उसके बाद डायरेक्टली ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो बीच में ना कुछ प्लस या माइनस होगा। अगर चलो अपन ने मान लिया प्लस है, तो बताओ इसको सॉल्व करने का मेथड क्या? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड बताओ, जिनको भी समझ आ रहा है। मतलब मेथड में मतलब स्टैंडर्ड होता है, जैसे फर्स्ट कि ये फर्स्ट वही वाला पॉइंट कि ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है। हाँ, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। सेकंड कि ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट भी हो जाएगा, देख ना लीनियर होमोजेनियस से सॉल्व करोगे ना तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, बिकॉज डिग्री 3 का एक्सप्रेशन बनेगा, तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लेंथी होता है। बट अगर हमने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया तो सिंपल हो जाता है। बट तुम्हें ये बताना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे होगा, किस चीज को टी सब्स्टिट्यूट करें। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें हम टी क्या अज्यूम करें कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। नहीं समझ आया, x क्यूब को t मानो और सॉल्व करो, x क्यूब को t पुट करके सॉल्व करो, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। और dt y dy, dt अपॉन dy, इसमें बनेगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dt अपॉन dy। समझ आ गया?
तो ये बनता है डी टी अपॉन डी वाई प्लस थ्री टी अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू थ्री। ठीक, सिंपल सा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो इससे कैलकुलेशन कम होगी बजाय होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करने के। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, dx अपॉन dy में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। dx अपॉन dy में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो 20 पूछा था ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन को हमने अगर dx अपॉन dy की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो दिस बिकम्स dx अपॉन dy, ये इधर गया इधर गया, तो प्लस 2x अपॉन y इज इक्वल टू tan y स्क्वायर। ठीक है, एक बार क्योंकि तुमने जो डाउट्स पूछे हैं उनमें मोस्टली डिफरेंशियल इक्वेशन में रिवर्स हो रहा था, तो एक बार बताना लेक्चर नोट्स देख के कि हमने क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया गया जिसमें हमने dx अपॉन dy में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है बजाय dy बाय dx के। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं किया? किया तो होगा, मुझसे किया है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम ऑलवेज dy बाय dx में ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। dx अपॉन dy या क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। कोई और डाउट किसी को पूछना है? चारी वाइज जो अपन ने पढ़ा है उसमें कोई भी पॉइंट डिस्कस करना है? अच्छा, तुम्हारा जो मैंने पहले बताया था, बोला था कि जो एरिया वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन हो गया क्या? एक्सरसाइज 1A 1B वगैरह एरिया वाले जो क्वेश्चंस हैं, यस और नो? अरे और लोग भी क्लास में हैं तो मतलब डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लो। नहीं, ओके, फिर ऐसा करते हैं अपन ही डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपन एक्सरसाइज 1A डिस्कस कर लेंगे। मैं होमवर्क अभी क्लास के एंड में बता दूंगा। ठीक है, तो हम आप टॉपिक शुरू करते हैं अपना। लास्ट में हम बात कर रहे थे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें एक आता है बर्नौलीज फॉर्म। Equations reducible to linear differential equation. इसी का ये पार्ट है बर्नौलीज फॉर्म। और यहाँ पे क्या होगा कि जो अपना linear differential equation है वो इस तरह से होता है कि dy by dx plus py is equal to q. p and q are functions of x. तो ये तो हमने अभी इससे पहले सॉल्व किया हुआ है कि ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। बट बर्नौलीज फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे q के साथ मल्टीप्लीकेशन में कुछ y रेस टू पावर n होगा। ठीक है, अगर q के साथ मल्टीप्लीकेशन में y रेस टू पावर कुछ n आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज फॉर्म। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या है कि 1 अपॉन y रेस टू पावर n, y रेस टू पावर n से डिवाइड करेंगे। And after that, 1 upon y raised to power n minus 1, यानी कि p के multiplication में जो function आ रहा है in terms of y, उसको t assume करेंगे। ये भी वही है, हम substitute ही कर रहे हैं, लेकिन ये standard substitution हो गया कि जब भी इस type का form है, हमने पहले y raised to power n से divide किया तो whole equation इस वाली form में convert हो जाएगा always। फिर हम 1 upon y raised to power n minus 1 को t assume करेंगे, इसका differentiation
n minus 1 times with a negative sign upon y raised to power n dy equals to dt हो गया. सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन जाएगा इधर आ जाएगा अब 1 माइनस n तो कोई नंबर है बस तो ये अब स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया तो दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज फॉर्म. इस पे ये एग्जांपल सॉल्व करना है बट एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले जो हमने यहाँ पे लिखा है कि बर्नौलीज फॉर्म को स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है ये मेथड क्लियर है. सेकंड चीज कि ये सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो ये क्वेश्चन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है तो इसको हम y इक्वल टू टी एक्स लेके सॉल्व कर सकते हैं मेथड वन हो गया और सेकंड बर्नौलीज फॉर्म अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं मेथड टू हो गया. तो बर्नौलीज फॉर्म अप्लाई करने के लिए पहले हमने y स्क्वायर से डिवाइड किया चलो चाहो तो 1 अपॉन y को चाहो तो y रेस्ट पर n माइनस 1 को या फिर माइनस n को भी इंक्लूड कर लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं करोगे तो भी चलेगा और कर लोगे तो भी चलेगा. तो अगर हमने माइनस 1 अपॉन y को t लिया तो इसका मतलब कि प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर dy ये dt बन गया. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. करो जल्दी से सॉल्व बताओ इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ टी क्या आता है. और इससे पहले कुछ अगर किसी को पूछना है कोई स्टेप तो बताना. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया पहले हो जाएगा e raise to power 1 upon x dx यानी कि e raise to power ln x. e raise to power ln x का मतलब x ही हो जाएगा. तो हमारा आंसर x यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू टी इज इक्वल टू 1 upon x square इंटू x dx. वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा और टी के प्लेस पे हम माइनस वन अपॉन वाई रिप्लेस कर लेंगे तो फाइनल आंसर
इस तरह से आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, dy by dx is equal to xy into 1 plus xy। और ये क्वेश्चन तुम्हें टाइम में सॉल्व करना, मैं यहाँ पे अभी क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है अपने पास, टाइम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 मिनट्स है तुम्हारे पास, कंप्लीट सॉल्व करो, देखते हैं विदिन 3 मिनट्स कितने लोग आंसर कर पाते हैं। जे के पॉइंट से टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विदाउट एनी मिस्टेक इस क्वेश्चन को तुम्हें क्विकली सॉल्व करना है। वन एंड हाफ मिनट हो गया, एरन बाय इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये विदिन 2 मिनट्स आंसर आ गया। आंसर चेक करेंगे अभी, ठीक है कि रॉन्ग है मुझे आंसर पता नहीं है, बट और लोग भी करो कंफर्म। सानी करें ऐसा लग रहा है, और लोग तो बैठे ही हैं बस। टू फोर्टी फाइव हो गए 10 सेकेंड्स। अरे कोई और तो बताओ, कितने कंसेप्ट सीख लो, अगर गिवन टाइम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा एग्जाम में तो स्कोर नहीं आएगा, चाहे तुम्हें कंसेप्ट कितना ही ढंग से आता हो। 1 मिनट एक्स्ट्रा, देखते हैं कि हो सकता है कुछ लोगों को टाइम लग रहा हो।
तुम्हें इस क्वेश्चन में ऐसा क्या मिल गया? या फिर ये है कि सर कौन मेहनत करेगा, आप हमें पता है कि आप तो बता ही दोगे बाद में, तो हम क्यों मेहनत करें, ऐसा ही है क्या? मत करो मेहनत बिल्कुल, तो फिर क्लास में आने की मेहनत क्यों कर रहे हो? बिल्कुल मत करो वो भी। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, दिस बिकम्स माइनस वन अपॉन वाई को टी लिया, वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई डी टी हो गया, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स डी टी बाई डी एक्स प्लस टी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ई रेस टू पावर में एक्स डी एक्स आएगा, अच्छा तुमने जो आंसर दिया है ln ऑफ y, ln y कहां से आया तुम्हारा? सब well, rearranging मुझे dy by 1 plus y is equal to 1 plus x into dx आया। I think I went wrong somewhere। नहीं, ये actually differential equation जो है वो मैं अब समझा तुम्हारा प्रॉब्लम कि मोस्टली तुम लोग सॉल्व तो कर रहे होंगे, बट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंटीग्रेशन बन रहा है वो फंक्शन इंटीग्रेबल ही नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं, हमारा जो अब आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ये यहां तक जो मैंने बोर्ड पे लिखा है यहां तक का स्टेप सबको क्लियर है? e raise to power x square into 2 आ जाएगा। यस सर, बिल्कुल। और इसके बाद हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉन इंटीग्रेबल, तो इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दिस केस, और हो सकता है इसलिए तुम लोग आंसर नहीं दे रहे थे मुझे, ओके, कि ये फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो रहा। मैं फिर दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। कोई प्रॉपर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ये तो क्या है कि मैंने रैंडमली लिख दिया। x डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एल एन एक्स प्लस वाई, नहीं माइनस वाई, यहां भी ये माइनस वाई है। ठीक है, चलो अब इसको करो ट्राई विद इन गिवन टाइम।
शिवांग ने बोला है वन अपॉन एक्स वाई माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अगर हमने एलसीएम लिया तो ये क्या बन गया, वन अपॉन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स, वन अपॉन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स। ठीक है, थ्री मिनट से काफी पहले बता दिया है शिवांग ने। और कोई सवाल हो गए 3 मिनट हमारे, अभी तक नहीं आया आंसर आप लोगों का। नहीं अभी भी नहीं, 20 सेकंड एक्स्ट्रा के बाद भी। तो यहाँ पे वही फॉर्म है कि वन अपॉन वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर वन अपॉन वाई को अगर टी लिया तो माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई डी टी हो जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस डी टी बाई डी एक्स प्लस टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस साइन को भी यहां ले आए तो दिस बिकम्स डी टी अपॉन डी एक्स माइनस टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, एक और आंसर आया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स दैट इज e रेज टू पार माइनस एल एन एक्स दैट इज e रेज टू पार एल एन ऑफ 1/x एंड दैट इज फर्दर इक्वल टू 1/x। देखना मैंने एक साथ लिख दिया तो ये 1/x समझ आ गया क्या, e रेज टू पार में माइनस एल एन एक्स आएगा एंड e रेज टू पार माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू e रेज टू पार एल एन ऑफ 1/x, e और एल एन को कैंसिल आउट किया तो 1/x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। नाउ दिस इज 1/x इनटू टी इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सर आर एस एल एन एक्स अपॉन एक्स, एल एन एक्स अपॉन एक्स तो लिखा है मैंने। ओके ओके माइनस ओके अभी तक कोई डाउट किसी को? और अब एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? चलो इसके आगे तुम लोग सॉल्व करो जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है सॉल्व। भाई कैलकुलेशन मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों कि कई सारे लोग सिर्फ मतलब लेक्चर को देख रहे हैं, वो अपना कॉपी पेन यूज नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और एग्जाम में ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसकी कैलकुलेशन करके और इसको सारा इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर लिखो, और ये भी बताओ सॉल्व करने से पहले कि एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का मेथड क्या होगा। एल एन एक्स इक्वल टू जेड पुट करने के बाद ये ई रेस टू पावर माइनस जेड इंटू जेड डी जेड बन जाएगा। इसका क्या करेंगे, उसे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट सॉल्व करेंगे। वी कैन डू आई बी पी, आई बी पी बोले तो अच्छा इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ओके ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो सभी लोग सॉल्व करो,
डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर समझ आता है तो, अदरवाइज ln x को z सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे बस स्पेस नहीं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ। सभी ने यहाँ तक जो लिखा हुआ है वो नोट कर लिया सारा? हमें सॉल्व करना है ln x अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो अगर हमने ln x को z ले लिया, यानी कि x को e रेस टू पावर z ले लिया, तो dx जो है वो e रेस टू पावर z dz हो जाएगा। क्वेश्चन दिस एक्सप्रेशन बिकम्स z इंटू e रेस टू पावर माइनस का 2z, तो डिनोमिनेटर से आ जाएगा और e रेस टू पावर z dz यहां से आ जाएगा। तो दिस इज e रेस टू पावर माइनस z इनटू z dz। इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करने के लिए इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, ये यहाँ पे माइनस जेड है, माइनस जेड इ रेस टू पावर माइनस जेड माइनस इ रेस टू पावर माइनस जेड। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन, ये तो हो गया एक्स वाई, और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। अगर हम इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखें तो ये हो गया माइनस एल एन एक्स upon x plus 1 upon x plus c। माइनस कॉमन लिया तो ln x upon x plus 1 by x, ठीक है। तो ये है बर्नौलीज फॉर्म। किसी को इस बोर्ड पे जो भी लिखा है उसमें से कोई भी पॉइंट डिस्कस करना है? और इसका इंटीग्रेशन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे इस तरह से है। तो देखो ये इंटीग्रेशन जो हमने किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये मेथड भी क्लियर है। ओके, Now we'll discuss exact differential equation. Exact differential equation है क्या कि हम by observation, मतलब pen नहीं चलाना है, दिमाग चलाना है, हम by observation, हाँ एक मिनट ब्रेक होगा 11:45। हम बाय ऑब्जर्वेशन जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन है वो ये देखेंगे कि ये किसका डेरिवेटिव बन सकता है। फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल सिचुएशन जो हमने ऑलरेडी यूज कर रखी है, एक्स डीवाई प्लस वाई डीएक्स, ये किसका डेरिवेटिव है? डी ऑफ एक्स वाई, ये हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। सेकेंड सिचुएशन मान लो dx अपॉन x, नहीं dx अपॉन y प्लस dy अपॉन x होता, तो बताओ ये किसका डेरिवेटिव है? dx अपॉन y प्लस dy अपॉन x।
अरे मैंने उल्टा लिखा है क्या? ये बनेगा dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y, ये किसका डेरिवेटिव है? वो गलत लिखा था मैंने, अब बताओ dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y। आई डोंट नो, x प्लस y। तो यहां तो हमने क्या है कि डायरेक्टली अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया, लेकिन अगर कभी इनको कंबाइन करके कुछ लिखा हुआ है, कहने का मतलब मैं एक दो तीन चीजें और लिख देता हूं, तो एक बार इन फोर तक, पॉइंट नंबर फोर तक लिखो, पॉइंट नंबर थ्री एंड पॉइंट नंबर फोर में क्या आएगा बताओ। थर्ड में बोला गया डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, फोर्थ में बोला गया डी ऑफ वाई अपॉन एक्स। एक सही है एक गलत है? नहीं, थर्ड में डी ऑफ एक्स अपॉन वाई बोला और फोर्थ में डी ऑफ, दोनों ही गलत है। अहमद ने बोला थर्ड में वाई अपॉन एक्स। हाँ ये सही है, ये वाले दोनों करेक्ट हैं। दिस वन इज डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स एंड दिस वन इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स अपॉन वाई। हमें अब एग्जाम के पॉइंट से, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर फोर ओनली ये सफिशियंट है। पॉइंट नंबर टू तो हम इजिली बना सकते हैं, और पॉइंट नंबर टू तो है भी बड़ा सिंपल ही इन दिस केस, बट पॉइंट नंबर वन, थ्री एंड फोर कि अगर कभी भी सारे के सारे वेरिएबल सेपरेटेड फॉर्म में है तब तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल की रिक्वायरमेंट ही नहीं, हम सीधे सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे डी और लिख लेना, अगर वेरिएबल्स ऑलरेडी सेपरेटेड हैं तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल्स मिक्स कर रखे हैं, एक्स और वाई को मिक्स कर रखा है, तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल में एक्स और वाई को मिक्स करेंगे तो जैसे यहाँ पे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आ रहा है, या वाई डी एक्स एक्स डी वाई, हाँ यहाँ भी सेम है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स यहाँ भी सेम है। अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो एक तो माइनस साइन और एक एक्स स्क्वायर, यहाँ से समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल डिफरेंशियबिलिटी का लगेगा। नीचे एक्स स्क्वायर है तो नीचे एक्स आएगा, नीचे वाई स्क्वायर है तो नीचे वाई आएगा। लेकिन जब हम एफ अपॉन जी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ अपॉन जी का डेरिवेटिव एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ अपॉन जी स्क्वायर होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो पहले एज इट इज और न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर का एक्स वाला फंक्शन जो है वो एज इट इज आना चाहिए और वाई का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तब जाके तो डेरिवेटिव पॉजिटिव वाई अपॉन एक्स का बन जाएगा। लेकिन अगर नीचे वाई स्क्वायर है और ऊपर एक्स डी वाई पहले आ रहा है तो हमें पहले माइनस साइन कॉमन लेना होगा, तो वाई डी एक्स पहले आ जाएगा, एक्स डी वाई बाद में आ जाएगा, तब जाके जो हमने माइनस साइन कॉमन लिया था उसकी वजह से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अभी हमें पॉइंट नंबर वन, थ्री और फोर की हेल्प से मैं एक नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं वो बनाना है, और नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर फाइव कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तुम्हें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, या ऐसा करता हूँ इसका मेथड मैं बताता हूँ कि इस टाइप की सिचुएशन में हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमने कहा कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आ गया तो नीचे हम आइदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कुछ भी बना लेंगे, सिंस पहले एक्स आ रहा है तो हम नीचे पहले एक्स बना लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बना लेंगे, तो ये बन गया वाली बात समझ आ गई होगी। और ये किसका, इसके इंटीग्रेशन को करने, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, tan इनवर्स y अपॉन x बन जाएगा। अगर हम y अपॉन x को कुछ देर के लिए t बोल दें तो ये dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर लिखा हुआ है, dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t बन जाएगा, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये
टेनवर्स वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इस तरह से हम बना लेंगे। अगर माइनस साइन है तो नीचे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर क्रिएट कर लेंगे, अगर प्लस साइन होता तो फिर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई हो जाता, और अगर ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेटेड फॉर्म में है तब हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऑलवेज सिचुएशन इतनी ही सिंपल होगी क्या, हमेशा इसी टाइप का एक्सप्रेशन आएगा क्या? उसके लिए मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चंस और लिख रहा हूं। ये एक्स स्क्वायर है, इन फिफ्थ में पोलर फॉर्म, हाँ यूज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा पोलर फॉर्म का यूज करके भी। इसने बोला ई रेस टू पावर वाई अपॉन एक्स, सभी को देखो समझ आया क्या, करेक्ट है आंसर कि दिस इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू पावर वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे ये थॉट अब कैसे आया कि एक तो माइनस साइन है और डिवीजन में एक्स स्क्वायर है, तो समथिंग अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करने से ऐसा आ जाएगा। अब वो समथिंग क्या होगा, ऊपर जो लिखा हुआ है ये एफ डैश है तो ये एफ हो जाएगा, क्योंकि हमारा एफ अपॉन जी का डिफरेंशिएशन एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ अपॉन जी स्क्वायर होता है, तो ये एफ डैश हो गया और ये एफ हो गया, तो ई रेस टू पावर वाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। क्वेश्चन, अब हमें ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल की हेल्प से सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन अभी अपन थर्ड टाइम सॉल्व कर रहे हैं, एक बार तो आज ही किया था बर्नुलीज फॉर्म से और एक पहले किया था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म से। तो एक बार मैं बता देता हूं कि सॉल्व कैसे करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल की हेल्प से, कि हमने इसको इधर ट्रांसफर करके एलसीएम लिया तो दिस बिकम्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको लिखा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जो है दिस इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स अपॉन वाई एंड दिस इज डी एक्स अपॉन एक्स, तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमने वाई को जब एक्स और वाई मिक्स हो गए थे तो हमने कहा कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बना, अब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के डिनोमिनेटर में या तो हमें एक्स स्क्वायर बनाना है या हमें वाई स्क्वायर बनाना है, सिंस ये x dx का dx इधर जाएगा तो x का कुछ भी एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाए, x का कोई भी पावर यहाँ पे आ जाए, हम सारा कुछ इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे y स्क्वायर बचा रहेगा तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने y स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स अपॉन वाई, जिसको इंटीग्रेट करके हमने आंसर लिख लिया। तो ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने भी बताया है, ये तुम लोग नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। e raised to power y dx plus x e raised to power y minus 2y dy
इक्वल्स टू जीरो। सर सेवेंथ स्लाइड एक बार दिखा सकते हो प्लीज, फॉर्मूला देखना था जरूर। यस सर, थैंक यू सर। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल्स जैसे dx के साथ ओनली x है, हाँ ये बोला गया x into e raised to power y minus y square is equal to c, x into e raised to power y minus y square, हाँ ठीक है करेक्ट है आंसर। तो अगर dx के साथ ओनली x आ रहा है या dy के साथ ओनली y आ रहा है तो हम उसको तो इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। प्रॉब्लम उन टर्म्स में होती है जिनमें x और y मिक्स हो रखा है, मतलब कि dx के साथ y का एक्सप्रेशन है और dy के साथ x का एक्सप्रेशन है, तो वो टर्म्स जिनमें x और y मिक्स कर रखा है उनको पहले अलग किया। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है e raised to power y dx plus x e raised to power y dy minus या equal to 2y dy। तो x y की जो मिक्स टर्म्स थी इनको अलग कर लिया और x y की जो सेपरेटेड टर्म्स हैं y की अलग और x की अलग उनको सेपरेट कर लिया। दिस इज नाउ डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू पावर y इनटू x। ये अब ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है, हमने अब दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया x इनटू e रेस टू पावर y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो अगर अब हमें एग्जाम में क्या करना है कि कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है या हमने फॉर्म की है और उसको सॉल्व करना है तो पहले हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला मेथड ट्राई करेंगे। सिंस ये ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे तो ऐसा हो सकता है कि बाय चांस हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसका बन रहा है ये वाला थॉट नहीं आए। अगर ये वाला थॉट नहीं आता है तो फिर हमने इससे पहले जो मेथड्स पढ़े हैं वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उन मेथड्स में से जो भी अकॉर्डिंगली मेथड लग रहा है उस मेथड को हम अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बट पहले हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल ट्राई करना है बिकॉज अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल से सॉल्व हो गया तो डेफिनेटली कम टाइम लगेगा अगर तुम्हें थॉट आ गया तो, और अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजेनियस की बात करें तो इनमें इन जनरल थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। मैं भी और क्वेश्चन तुम लोगों को लिखता हूँ, अभी जो बोर्ड पे लिखा है सारे क्वेश्चन क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन तो वही हो गया जो हमने अभी इन चैप्टर एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। अभी हमने एक क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 या कुछ था एक्सरसाइज 2 का, वो हमने दो मेथड डिस्कस किया था और एक मेथड उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल बताया था, तो वो सेम यही वाला क्वेश्चन मेरे पास भी लिखा हुआ है। ये x क्यूब है, x स्क्वायर से भी सॉल्व तो हो ही जाएगा, x स्क्वायर ही कर।
किसी का आंसर आएगा x upon y equals to x square upon 2 plus 3 x plus c. Only एक स्टूडेंट ने भी आंसर. तो यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल. अच्छा चलो अभी तुम लोग ये बताना क्वेश्चन को देख के कि अगर ये क्वेश्चन y upon x plus 3 ln x is equal to, दोनों का डिफरेंट है आंसर. y upon x और सॉरी पहले जो आंसर दिया था उसमें x upon y आ रहा था. यस और तुम्हारा आंसर दोनों का डिफरेंट आ रहा है. चलो देखते हैं. सेकंड चीज कि अगर ये क्वेश्चन मान लो अपन को थॉट नहीं आता है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल से कैसे सॉल्व होगा, तो बताना इसमें कौन सा मेथड लगेगा. अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल का थॉट नहीं आया तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा. देखो ऑर्डर को भी समझ आएगा जो यश ने बोला है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ है ये. ठीक है ये चीज मतलब सिर्फ क्वेश्चन को देख के एटलीस्ट ये तो पता लगना चाहिए हाँ कि ये क्वेश्चन कौन सी फॉर्म का है. चलो अभी अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल से ट्राई कर रहे हैं तो हमने इसको क्या हो रहा है एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स. तो ये बन गया x dy minus y dx is equal to x cube plus 3x into dx. तो हमने कहा कि जो x और y mix हो रहा है उनको हमने अलग कर लिया और जिसमें only x आ रहा है या only y आ रहा है उनको separate कर लिया. इसको integrate करने के लिए हमें अब denominator में या तो y square चाहिए या x square चाहिए. Since यहाँ पे in terms of x लिखा हुआ है तो हम both side अब x square से divide कर लेंगे. This becomes derivative of y upon x and now this is x plus 3 upon x dx. So y upon x आ रहा है, x upon y नहीं आ रहा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखा है मैंने ये विद इन 30 सेकंड आंसर आ सकता है आने को तो विद इन 30 सेकंड. चलो मान लिया चैट बॉक्स में टाइप करने में टाइम लग रहा होगा थोड़ा सा और टाइम और. तो यश ने बोला y upon x is equal to, दो लोगों ने बोल दिया दोनों सेम ही है जिन्होंने पहले बोला था. तीन लोगों ने बोला ऐसा लगता है क्लास में सिर्फ तीन लोग ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और लोग तो बस प्रवचन सुनने आए हैं. भाई ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था. और लोग बताओ ना अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो और समझ आ रहा है तो आंसर बताओ कुछ तो मतलब इन दोनों में से एक ही चीज हो गया तो समझ आएगा या नहीं आएगा. अगर समझ नहीं आ रहा है तो बोलो क्या चीज नहीं समझ आ रही है. समझ आ रहा है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर आना चाहिए. तो आंसर करेक्ट है और ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन इसलिए था बिकॉज ये लिखा हुआ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स राइट साइड से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो राइट साइड में ओनली एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बचता है. तो ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव y upon x का है और ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव y into x का है.
इंटीग्रेट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेते हैं। देखना कितनी देर में आंसर आता है। y स्क्वायर x क्यूब इक्वल्स टू y प्लस c, प्लस c और लगा देना। ठीक है, शुभम ने बोला है और विद इन अराउंड 1 मिनट बोला है। और लोग देखो एक क्वेश्चन विद इन 2 मिनट्स तो हो ही जाना चाहिए। एक बार आंसर आ गया, सामित जी ने बोला है, तीन लोगों ने बोला है। ये जो लास्ट में आंसर आया उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आएगा। देखना चैट बॉक्स में गलत लिखा है या फिर आंसर ये गलत आया। तो ये जो है अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें तो दिस इज एक्स क्यूब इनटू टू वाई डी वाई प्लस थ्री वाई वाई स्क्वायर इनटू थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे हमें हिंट कैसे मिलेगा कि टू डी वाई मतलब टू डी वाई के साथ है तो y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy आ जाएगा। ऐसे ही 3 जो है वो tx के साथ है तो x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर dx आ जाएगा। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब y स्क्वायर, इंटीग्रेट करने के बाद आंसर x क्यूब y स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस c। अपन ने पहले कोई भी क्वेश्चन लिया है तो उसको जैसे अपन चलो मैं तुम्हें एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ फिर। अदरवाइज अपन ने तो ऐसा भी कर सकते हो इनकी प्रैक्टिस के लिए कि हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं चाहे वो वेरिएबल सेपरेबल हो चाहे वो होमोजेनियस हो चाहे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो उन क्वेश्चंस को भी इस मेथड से ट्राई कर सकते हैं हम। ये क्वेश्चन थोड़ा और भी टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स is equal to x raised to power 10 y raised to power 4 3y dx plus 4x dy और
इस क्वेश्चन में तो टाइम लग सकता है थोड़ा, पर देखते हैं कितना टाइम लगता है। नेक्स्ट बार वापस एक क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ, कोई मिस्टेक ना हो। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज टू पार 10, वाई इज टू पार 4, 3y dx प्लस 4x dy। ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ लोगों को इसका इनिशियल स्टेप जो है वो क्लियर ना हो क्या करना है, तो उसके लिए जो हमने अच्छा आंसर बोला dy/dx = 2x² ln x - 1 ln x, ये तो नहीं है आंसर। देखो इस वाले केस में जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें हमने क्या अभी डिस्कस किया कि टू जो है वो डी वाई के मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, तो ये टू वाई डी वाई बनना चाहिए जिससे कि वाई स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से टू आ जाए। थ्री डी एक्स के मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, तो एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन से 3x² बन जाता है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब बनना चाहिए। वही चीज हम यहाँ पे भी ट्राई करेंगे कि यहाँ पे 3y dx लिखा हुआ है, तो dx के साथ 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बनना चाहिए जिससे कि 3x² dx आ जाए। हाँ ओके ओके ओके, यहां तक ठीक है। इसने जो बोला है, हम मैं वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमने कहा 3 जो है वो dx के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन से 3x² dx बन जाएगा। 4 जो है वो dy के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो y रेस टू पावर 4 के डिफरेंशिएशन से 4y³ dy बन जाएगा। तो उस एक्सप्रेशन को प्रॉपरली बनाने के लिए इस ब्रैकेट में एक तो एक्स क्यूब को ट्रांसफर कर दो और एक वाई रेस टू पार वाई क्यूब को ट्रांसफर करेंगे, तुम्हारा एक वाई मिसिंग है। तो ये हो रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा इसका जो एक एक्स स्क्वायर है वो अपन डिनोमिनेटर में और लेगा, ये तो अपन को पता ही है, स्टैंडर्ड ही है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई अपॉन एक्स बन जाएगा। अब यहां से 2 पावर्स तो यहां ट्रांसफर कर दी थी और 3 पावर्स यहां ट्रांसफर कर दी, तो ये बचा x रेस टू पावर 5
into y, and this is now 3y, 3 powers transfer करी क्या? नहीं, 2 power transfer करी है बनने. तो ये बन जाएगा x raised to power 6 into y, 3y x square dx, और y की 3 powers transfer कर दी, 4y cube x cube d y. देख रहे हैं यहां तक का स्टेप क्लियर है. और अब ये जो लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप में, लेफ्ट साइड में d ऑफ y अपॉन x लिखा हुआ है, राइट साइड में x raised to power 6 into y d ऑफ x cube into y raised to power 4 लिखा हुआ है. हमने अब क्या कैसा कौन डेरिवेटिव बन रहा है ये तो बना लिया, लेकिन अभी भी तुम्हें इसमें दिमाग लगाना है कि आगे सॉल्व कैसे करेंगे. अगेन अब टाइम शुरू कर दिया मैंने, यहां तक देख लो या ऐसा करो एक बार नोट कर लो यहां तक, और फिर इसके आगे का जो स्टेप होगा. अच्छा एक आंसर बोला भी गया, और देखो कि इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे. आंसर बोला है 1/2 y upon x raised to power 4 is equal to x cube y raised to power 4 का होल स्क्वायर. 1/2 y upon x होल raised to power 4 is equal to x. हाँ ठीक है आंसर, प्लस सी और लगा देना बस. करेक्ट. अभी मैनिपुलेशन देखना है कि हम x की पावर 6 into y को किस तरह से यूज करें कि ये इंटीग्रेशन में यूज आ जाए. यहाँ पे ओनली y अपॉन x की टर्म में आना चाहिए जो भी एक्सप्रेशन आएगा, चाहे कुछ भी पावर आ जाए, और यहाँ पे x क्यूब y raised to power 4 की फॉर्म में आना चाहिए. अगर हम इस x की पावर 6 को पूरा यहाँ ट्रांसफर कर दें तो फिर हमें अकॉर्डिंगली y raised to power 6 भी चाहिएगा न्यूमरेटर में, y raised to power 6 अपने पास है नहीं. तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसके इस एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए हमें x क्यूब अगर मिल रहा है तो उसके साथ y raised to power 4 required है. हाँ ये जो बोला है 3 कहां से आ रहा है स्टार्टिंग में, नहीं 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 नहीं, नहीं. हाँ 1/4 है अभी, ठीक है यश ने जो बोला है, लेकिन जो इससे ऊपर बोला गया है मतलब कि we can do integrate by part by taking x raised to power 6 into y as u and this as v, नहीं हम नहीं कर सकते. एक क्योंकि एक चीज तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो x raised to power 6 y d of x cube y raised to power 4 ऐसे बनेगा. तो इसका मतलब कि हम इसके रेस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, इनको हम अलग अलग फंक्शन थोड़ी ले सकते हैं. अगर ऐसे लिखा हुआ है कि e raised to power x sin x dx, तो हम e raised to power x sin x को एक फंक्शन और dx को सेकंड फंक्शन, ऐसा तो ले ही नहीं सकते. ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस तरह से नहीं लगा सकते. हाँ ओके ओके ओके. तो यहां पे मेथड क्या होगा कि हम x क्यूब y raised to power 4 जो x की पावर 6 था इसको x क्यूब इंटू x क्यूब करके अलग किया. अब एक x क्यूब अगर है तो उसके साथ y raised to power 4 चाहिए, तो y क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया. नाउ दिस बिकम्स d ऑफ y अपॉन x इंटू y अपॉन x का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब y raised to power 4 d ऑफ x क्यूब y raised to power 4, और दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो ये t क्यूब dt लिखा हुआ है जिसका इंटीग्रेशन t raised to power 4 upon 4 हो जाएगा.
और ये z dz लिखा हुआ है जिसका इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। इस तरह से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन टफ था बट चार पांच लोगों ने इसका आंसर बता भी दिया था पूरा फाइनल लास्ट में। एक बार सारा नोट कर लूं। नाउ नेक्स्ट इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने अभी तक जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस की है वो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हमने बिगिनिंग में कहा भी था कि अपने सिलेबस में ओनली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस ही हैं, बट हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के वो केसेस हैं जिनको हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, हमने डी वाई बाई डी एक्स को कुछ एक नाम दे दिया एम। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू। डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। वापस से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया। सिंस सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था तो हमने टू टाइम्स इंटीग्रेट किया है, तो इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट भी दो ही आएंगे, तो ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स यहां पे आ जाएंगे टू टाइम्स इंटीग्रेशन करने के बाद। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अच्छा जैसे हमने अभी तक एक जस्ट एक पॉइंट, चलो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। हमने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो अपन ने इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लिखे हैं, तो वाई इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स प्लस बी इस क्वेश्चन का आंसर आया। तो यहाँ पे ऑप्शन में एफ एक्स इज मतलब ऐसे बोल देगा कि फॉर दिस इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स प्लस बी, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स अगर अपन यूज कर रहे हैं तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम f डबल डैश x
इज इक्वल टू एफ एक्स, इस वाले फॉर्म में बोल सकते हैं एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस डिफरेंस, या फिर ऐसा हो सकता है क्वेश्चन खुद ही एफ की टर्म्स में डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दे, तो ये वाला इक्वेशन या ये वाला इक्वेशन बिल्कुल सेम है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई किया, और फिर विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया, देखो दोनों साइड्स इजीली इंटीग्रेबल हैं, दोनों ही साइड में जो भी एक फंक्शन लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है। इन दिस केस हम अगर एफ डैश एक्स को टी लेंगे तो एफ डबल डैश एक्स डीएक्स डीटी हो जाएगा, तो टी डीटी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, तो इन दिस केस इंटीग्रेशन यहाँ पे एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। ऐसे ही राइट साइड में एफ एक्स को कुछ जेड ले लिया तो एफ डैश एक्स डीएक्स डीजेड बन जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी आ जाएगा। तो यहां से एफ डैश एक्स टू को भी मल्टीप्लाई कर लिया तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स प्लस सम नंबर, ऐसे आ गया। जो प्लस माइनस साइन है कॉन्स्टेंट वाला वो तो लैम्डा में ट्रांसफर कर दिया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स प्लस सम नंबर। तो अगर हम प्लस साइन लेंगे और माइनस साइन लेंगे दो अलग अलग केस बन जाएंगे, उन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहां तक नोट करो और आगे सॉल्व करो। अगर प्लस साइन लिया तो वो लिखा हुआ था dy by dx is equal to x plus lambda, और अगर माइनस साइन लिया तो that नहीं y plus lambda, माइनस साइन से dy by dx is equal to minus y plus lambda। ठीक, अभी सिंस हमने एग्जैक्ट नहीं, ये वाला तो वेरिएबल सेपरेबल सीधा ही बन रहा है, यहाँ तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से ही सॉल्व हो जाएगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है सर, वो होल रूट लेंगे ना आरएचएस, हाउ कैन वी सेपरेट, मैं कुछ मिस्टेक कर दिए क्या? सही बोल रहा, बिल्कुल सही बात है, ये गलत लिखा है मैंने, और ये क्या है इस तरह से आएगा, जो नेक्स्ट स्लाइड में है वो रॉन्ग है। एक बार यहां तक देखो, ये बिल्कुल यश ने सही बोला है कि टू को भी ट्रांसफर कर दिया तो एक साथ एलसीएम लेने के बाद और एक साथ रूट लेने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस, यानी कि डीवाई बाय डीएक्स
इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में सिंपल सा dy अपॉन रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस dx आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली फॉर्मूले से हो जाता है। तो यहाँ पे लैम्बडा और c दो आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं बिकॉज हमने टू टाइम्स इंटीग्रेट किया है। तो एक बार लास्ट वाली साइड में देख लो, अभी जो लिखा है बोर्ड पे वो सारा क्लियर है। अब हमें क्योंकि एक्सप्रेशन ऐसा बन गया कि प्लस माइनस केसेस को सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा, और फिर हमने वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा के स्क्वायर रूट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और इंटीग्रेट कर लिया। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास इस टाइप के ही केसेस हैं, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशंस है नहीं। अब है हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इससे पहले जो भी क्वेश्चन किया है उन सब में डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को वन रखा है, ठीक है। बट अगर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उनको सॉल्व करने का मेथड क्या है, तो उसके लिए एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्लेरॉट्स फॉर्म, सी एल ए आई आर ए यू टी क्लेरॉट्स फॉर्म। क्लेरॉट फॉर्म क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ m, इस फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे m डिवाइड बाय dx है। फॉर एग्जांपल ऐसे बोल दिया कि y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर, तो इसका मीनिंग हो गया y इज इक्वल टू x डिवाइड बाय dx माइनस डिवाइड बाय dx का होल स्क्वायर। तो ये एक सेकेंड डिग्री की, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इस तरह की क्लेरॉट्स फॉर्म को सॉल्व करने का जो मेथड है वो मेथड क्या है कि हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव डीवाई बाय डीएक्स हो जाएगा, एम का एम एक्स का डेरिवेटिव, पहले एम को डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स डी एम बाय डीएक्स, और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एम हो जाएगा, f of m का डेरिवेटिव f dash m into dm by dx। तो ये तो हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। दोनों साइड से dy by dx वाला जो टर्म है, क्योंकि m dy by dx था तो dy by dx वाला जो टर्म है वो कैंसिल किया, तो देखो ओवरऑल dm by dx कॉमन आ जाता है। बोर्ड पर देखना कंप्लीट कि y इक्वल टू m dy by dx, सॉरी y इक्वल टू mx प्लस f of m, वेयर m इज इक्वल टू dy by dx। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने फर्स्ट स्टेप लिया कि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। हमने इससे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएट नहीं किया, इंटीग्रेट किया है, बट हमने यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट किया
तो ये कंडीशन आ जाएगी, बिकॉज ऑलवेज dy बाई dx और dy बाई dx कैंसिल हो जाएंगे, तो dm बाई dx कॉमन आएगा और ये ब्रैकेट अलग से आ जाएगा। ये वाला जो ब्रैकेट है अभी ये बोल रहा है कि कोई m का कोई एक एक्सप्रेशन कुछ होगा, वो इक्वल टू माइनस एक्स लिखा हुआ है, यानी कि x इन टर्म्स ऑफ m लिखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करके हमें m को इन टर्म्स ऑफ x ले आना है, तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे dm बाई dx इक्वल टू 0 हो गया, इसको इंटीग्रेट किया तो m इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, dm बाई dx इज इक्वल टू 0 है तो m इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। ये c एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें ओनली एक ही कांस्टेंट आना चाहिए, तो हम इसको वापस से अगेन डिफरेंट इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिकॉज एक कांस्टेंट ऑलरेडी आ गया। तो बस इस m की वैल्यू को c यहां पर रिप्लेस कर लेंगे, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, और इस सॉल्यूशन में एग्जैक्टली वन आर्बिट्री कांस्टेंट c है, और ये इस वजह से जनरल सॉल्यूशन है। हमने एक बार इंटीग्रेशन किया है तब जाके हमें कांस्टेंट मिला है, तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन। यहां से m की वैल्यू जी एक्स आई, इस m की वैल्यू को यहां पुट किया तो ये बन जाएगा y इक्वल टू x इंटू जी एक्स प्लस एफ ऑफ जी एक्स। यहां पे देखो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, और ये वाला आंसर हमने विदाउट इंटीग्रेशन फाइंड किया है, देयरफॉर दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जनरल सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन जो बिना इंटीग्रेशन के किसी और मेथड से आ जाता है। तो इन दिस केस क्लेरॉस फॉर्म में ऑलवेज टू सॉल्यूशंस आते हैं, फर्स्ट वन इज जनरल सॉल्यूशन जो इन टर्म्स ऑफ सी है, एंड सेकंड वन इज सिंगुलर सॉल्यूशन जिसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आ रहा है। तो एक बार ये कंप्लीट नोट करो और देखो कोई पॉइंट पूछना है तो। ये वाला जो टाइप है इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं तुम्हें एक बार होमवर्क बता देता हूँ, अदरवाइज होमवर्क का ध्यान नहीं रहता मुझे फिर। अच्छा, इसमें इन चैप्टर एक्सरसाइज तो सारी कंप्लीट ही हो गई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 1A। अपनी जो नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली शायद संडे को ही है, तो तुम्हारे पास पूरा 1 वीक है कंप्लीट, तो होमवर्क सभी लोग प्रॉपरली कर लेना। मुझे थोड़े से एक तो वर्ड प्रॉब्लम्स कराने हैं और एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बतानी है, तो अभी तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व कर लेना।
वन भी तो लग रहा सारा सॉल्व कर सकते हो, बट अगेन वन बी में भी क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व कर लेना, और अगर बाय चांस 1 to 25 में किसी, हाँ अभी अभी कंप्लीट नहीं है चैप्टर, अभी कंप्लीट नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वर्ड यूज कर रखा है तो उस क्वेश्चन को भी छोड़ देना। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वाले क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हमारा कंप्लीट है। हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने बात कर ली है, हायर डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री तुम लोग कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो, एरिया वाले क्वेश्चंस तुम लोग कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मैंने बहुत ज्यादा होमवर्क दिया नहीं है, 1 to 25 50 क्वेश्चंस हैं और पूरे 7 days का टाइम है तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारे क्लास के अकॉर्डिंग तुम्हारी टाइम की सेटिंग बैठती है उनमें ही होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आज जो अपन ने ये डिस्कस किया है उसमें कोई भी पॉइंट किसी को पूछना है तो बताओ, आज वाले पोर्शन में कुछ भी पूछना है। नहीं, चलो फिर ये लिंक मैं एंड कर रहा हूँ, बाय।